हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जुराजी बाई मोना शेखावत। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे मेरे KVS में जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उसके एक्सपीरियंस की बात करूंगी कि इंटरव्यू के दौरान मुझसे क्या क्या पूछा गया, उससे पहले मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया, सारी बातें मैं आपको डिटेल से बताऊँगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी, जो आप आगे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अगर टीचर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो भी वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा और वो भी कुछ इस तरीके से ही होता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, अपने फ्रेंड से इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो मैं डिटेल में सारी बातें आपको बताना चाहूँगी कि किस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया था। मैं उस समय हर एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी और लकीली मेरा RPSC की प्रोविजनल लिस्ट है वहाँ पे भी सिलेक्शन हुआ और KVS की जो लिस्ट आई उसमें भी मेरा नाम आ गया। दोनों रिज़ल्ट के बीच में 10-15 दिन का ही फ़र्क था, ठीक है। RPSC की भी पहले प्रोविजनल लिस्ट आती है और KVS की भी पहले आई रिटर्न वाली, उसके बाद में उस इंटरव्यू होता है। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो 15 मई के दिन था, 15 मई 2023, और वो जो इंटरव्यू मेरा हुआ था वो कोलकाता हुआ था। मैं जयपुर में रहती हूँ और जयपुर से फिर मुझे वहाँ कोलकाता जाना था, ठीक है। तो पहले मैं वहाँ हम पहले ही वहाँ चले गए थे और मेरा कोलकाता में जो केंद्रीय विद्यालय है वहाँ पर हमें सुबह 8 बजे बुला लिया गया था। अब इंटरव्यू के लिए काफ़ी नर्वसनेस तो रहती है कि किस तरीके से क्या बोलेंगे, प्लस दिमाग में एक और क्वेश्चन रहता है कि मैम कि हम जो इंटरव्यू देंगे वो हम इंग्लिश में देंगे और हिंदी में देंगे, ये काफ़ी थोड़ी टेंशन रहती है और कुछ इतनी घबराहट भी इतनी हो जाती है कि थोड़े से हमें अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं रहता, लेकिन वही है, कॉन्फिडेंस का होना तो बहुत ज़रूरी है। मैंने वहाँ जाने से पहले ही क्योंकि मैंने काफ़ी सुन रखा था, मैंने YouTube पे भी कई लोगों का देखा था कि इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन तो सबसे पहले आपसे पूछते हैं और एक KVS का कुछ होता है, वो एक परफॉर्मा फिल करवाते हैं आपसे, वो पूरा उसमें पूरा आपसे हैंड रिटन आपको करना होता है। कुछ बच्चों ने टाइप भी किया था, मैंने हैंड रिटन किया था जिसमें आपकी पूरी क्वालिफ़िकेशन, बायोडाटा वगैरह वो सब आपको देना होता है। तो उसको भी काफ़ी लेके था, ये था रूमर्स चल रहे थे ऐसे लिखो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, पूछे जाएंगे, क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। तो मतलब ऐसा काफ़ी डर वाला माहौल ऐसा चल रहा था कि पता नहीं क्या होगा। मैंने बहुत अच्छा सा इंट्रोडक्शन मेरे लिए प्रिपेयर कर लिया कि मैं बहुत अच्छे से इंग्लिश में इस तरीके से बोलूँगी और बस जाते ही मतलब टीचर्स को लगेगा कि वाह ये तो बहुत अच्छे तरीके से बोल रही है, कुछ ऐसा जैसा कि हर कोई प्रिपेयर करता है। तो सुबह 8 बजे हमें केंद्रीय विद्यालय के अंदर एंट्री दे दी गई। जो हमें एंट्री दी गई उसमें क्या था, 20-20 बच्चों के बैच बनाए गए थे। पहले हमारे वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वैसे एक बार दो तीन बार मतलब चेक करके फिर हमें एक बड़े से हॉल में बिठाया गया और बड़े से हॉल में इस तरीके से जैसे रोल नंबर वाइज है उन्होंने वैसे बताया कि हाँ, पहले बता दिया था कि आपका 7 है, आपका 6 है बैच, ठीक है। तो आई थिंक मेरा बैच नंबर 7 था और बैच नंबर 7 में भी मेरा 19th नंबर था। कितना नंबर था? 19th नंबर। 20-20 बच्चों, 20-20 ऐसे चेयर लगी हुई थी, एक बहुत बड़ा सा हॉल मतलब खाली था, टिन सेट लगा हुआ था ऊपर, वहाँ पे हमें बिठा दिया गया और फिर हमें उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि आप इस पर्टिकुलर जगह पे चले जाइए। हम वहाँ जाके बैठ गए, मतलब जो रूम्स बने हुए थे, तो जैसे ये रूम है, इस रूम में हम बैठे हैं और इसके जस्ट पास वाला जो रूम है उसमें इंटरव्यू चल रहा है, ऐसा कुछ वहाँ पे हो रहा था। तो एक बैच में 20 बच्चों को लिया गया, तो 20 बच्चे वहाँ थे और हमारे सामने हमारे रूम में 3-4 जो टीचर थे वो हमारे सामने थे जो कि हमारे डॉक्यूमेंट को चेक कर रहे थे। डॉक्यूमेंट जो चेक हो रहे थे वो काफ़ी मतलब बहुत अच्छी तरीके से वो चेक कर रहे थे। एक कैंडिडेट को मतलब आई थिंक 30-40 मिनट्स तक वो दे रहे थे, 30-40 मिनट तक वो उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे थे। सारी परसेंटेज वगैरह वो खुद से कैलकुलेट कर रहे थे, जो भी अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं जैसे OBC का है या फिर EWS का है, SC ST जो भी है, वो बहुत बारीकी से मतलब हर चीज़ का वो देख रहे थे और सारी चीज़ें वहाँ देख रहे थे कि आपके BSc में कैसे सब्जेक्ट है, कितनी परसेंटेज बनी, उनकी इंडिविजुअल कितनी है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया हर तरीके से,
ठीक है, हम 8 बजे बैठे थे और 8 बजे बैठने के बाद में 9-10 बजे के समथिंग ये स्टार्ट हो गया था। 10 बजे के बाद में आई थिंक पहला कैंडिडेट वहाँ गया था और हर एक कैंडिडेट से 15 से 20 मिनट का टाइम वो ले रहे थे। चार लोग बैठे थे आई थिंक, मुझे इतना कंफर्म अभी याद नहीं है, 4 या 5, लेकिन चार के समथिंग वहाँ पे वो जो मेंबर थे वो बैठे थे, ऐसा कुछ था। तो हम भी वहाँ पर वेट कर रहे थे। मैं सुबह 8 बजे एक दूसरी सिटी कोलकाता, जहाँ का मतलब थोड़ा सा समझ में भी नहीं आता है, थोड़ा लैंग्वेज बैरियर भी हो जाता है, जयपुर वाले लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ की बांग्ला लैंग्वेज है वो समझ नहीं पाएंगे, और खाने को भी कुछ इतना मतलब काफ़ी परेशान हो गए थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ नॉनवेज वगैरह ज़्यादा मिलता है, वेज इतना नहीं मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ ऐसे नाश्ता वगैरह किया था और हम चले गए, खाना वाना नहीं खा के गए। वेट करते 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 हमें लंच का टाइम हो गया, 1-1.5 बजे का टाइम हुआ। 1-1.5 बजे फिर वो जितने कैंडिडेट का हुआ था इंटरव्यू, उसके बाद में उन्होंने बोला कि आप बाहर जाके कुछ लंच वगैरह करके आ जाइए। ठीक है, हम बाहर गए। अब बाहर भी हम कहाँ जाएँ, हमारे फ़ोन वगैरह सब ले लिए गए थे, हमारे पास नहीं थे फ़ोन वगैरह। बाहर जो भी हमारे साथ थे उन्होंने कुछ हमें बाहर से ही पकड़ा दिया, हमें बाहर नहीं जाने दिया, और उसके बाद में हम दोबारा वहाँ पे आ गए। मैं जो 8 बजे उस केंद्रीय विद्यालय में गई थी, मेरा नंबर आया शाम को 5 बजे। 5 बजने में शायद 10 मिनट बाकी थे तब मेरा नंबर आया। अब आप देख लो, मैं सुबह 8 बजे से वहाँ बैठी हूँ एक दूसरी सिटी में, 2 दिन का मैं रास्ता तय करके गई हूँ, पूरा दिन मुझे हो गया है ओनली वेट करते करते कि कब मेरा नंबर आएगा, कब मेरा नंबर आएगा, क्योंकि बैच में 19 नंबर मेरा था। ठीक है, हम गए अंदर, पहले वो जो कैंडिडेट बाहर निकल रहे थे थोड़ा थोड़ा अपन उनसे भी पूछते हैं, तो वो इतना कुछ बता नहीं पाते, क्यों, क्योंकि वहाँ पर वो लोग खड़े रहते हैं, वो उनको बताने नहीं देते। ठीक है, फिर मेरा नंबर आया 4:50 के समथिंग, मेरा नंबर आया, मैं अंदर गई। अंदर जाते ही उन्होंने कहा कि बैठिए, तो ये तो होता ही है, अपन ने ये सब चीज़ें तो पता ही है कि भाई जब वो कहें तभी हमें बैठना है। मेरे पास फाइल थी, मैं फ़ाइल लेके गई, आराम से वहाँ पे बैठ गई। फाइल फिर उन्होंने बैठने के बाद मैंने थैंक यू उनको बोला, और वो चार लोग थे और चारों लोग ही मतलब एक दूसरे से मतलब बातें कर रहे थे एक तरीके से। ठीक है, मैं बैठ गई। फिर उन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा। अब मैं जो बहुत दिनों से इंट्रोडक्शन इतना अच्छे से याद करके गई थी, उस इंट्रोडक्शन को मैं भूल गई, मेरे दिमाग से सब स्लिप हो गया। मतलब जो मतलब एक होता है ना, अपन ने बहुत ऐसे स्टाइल मारने के लिए जो बनाया था वो मैं भूल गई। और फिर मैंने सोचा यार जो होगा वो देखा जाएगा, मैंने जो मेरा नॉर्मल अपन बोलते हैं मैंने उसी तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक है, उन्होंने इंट्रोडक्शन सुना, उसके बाद में उन्होंने कहा कि आपके पीछे बोर्ड है, आप वहाँ पे जाइए और आप कोई भी अपना पसंद का टॉपिक है वो हमें पढ़ा के बता दीजिए। ठीक है, तो ये हमें पता ही था कि भाई पढ़ा के तो दिखाना है। कुछ बच्चे तो मॉडल वगैरह भी लेके आए थे, मैं ऐसा सच कुछ भी नहीं लेके गई थी। उन्होंने बोला कि आप पढ़ाइए, मार्कर है, पर आप ये फालतू वो मत लिखना जैसे वो बीएड में लिखते हैं ना अपन, बोले वो एंट्री मत करना, हर कोई बच्चा आके वो एंट्री करता है, आप नॉर्मल अपना पढ़ा दीजिए। ठीक है, मैंने DNA रेप्लिकेशन टॉपिक लिया और DNA रेप्लिकेशन को मैं एक्सप्लेन करने लग गई। मैंने बाइलिंगुअल किया, मैंने थ्रू आउट इंग्लिश नहीं बोली, मैंने दोनों लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी मोस्टली एक तरीके से मैंने हिंदी बोली, ज़्यादा मैंने इंग्लिश नहीं बोली। ठीक है, तो मैं बाइलिंगुअल वहाँ पे पढ़ा रही थी, जैसे कि मैं अपने क्लासेस में पढ़ाती हूँ, मैं वैसे ही वहाँ पे मैंने उनको पढ़ाया। DNA रेप्लिकेशन को अच्छे से मैं लीडिंग लैगिंग तक पहुँच गई थी, वो पूरा मैं प्रिपेयर करके गई थी, उस हिसाब से मैंने वहाँ पे पढ़ाया। 7-8 मिनट होने के बाद में उन्होंने मुझे स्टॉप होने के लिए बोला। मैं पढ़ा रही थी तो मुझे ऐसे भी लग रहा था कि क्या पता उनका मेरे ऊपर ध्यान भी है या नहीं है, क्योंकि वो बात भी कर रहे थे, लेकिन वो सब देखते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा आप कंटिन्यू कीजिए, मैं कंटिन्यू पढ़ाती रही। फिर उन्होंने मुझे स्टॉप के लिए बोला, मैं बोर्ड के पास ही खड़ी थी और उन्होंने फिर मुझसे क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए। क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे थोड़े ऐसे उलझाने वाले क्वेश्चन पूछे, जैसे हम बात करते हैं लैगिंग स्ट्रैंड की बात करते हैं, तो लैगिंग स्ट्रैंड में ही ओका जाके फ्रेगमेंट्स की ज़रूरत क्यों है, एक तो कंटिन्यूस होता है एक डिसकंटिन्यूस होता है, ऐसा क्यों, ठीक है, इसकी क्या नीड है, प्राइमर की क्या नीड है, मतलब उन्होंने DNA रेप्लिकेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मुझसे पूछ डाले, मतलब तीनों चारों ने मिलकर।
एक जो पर्टिकुलर मैम थी वो आई थिंक वो मुझे ऑब्जर्व कर रही थी, मेरे कॉन्फिडेंस वगैरह को देख रही थी, वो एज सच कुछ पूछ नहीं रही थी, ठीक है। फिर डीएनआर एप्लीकेशन से क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए मुझसे, क्योंकि मैंने वो टॉपिक वहाँ से पढ़ाया था। फिर उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा, मैं दोबारा बैठ गई, और बैठने के बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे अदर जो है, जैसे उन्होंने पहले मुझसे इकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे, क्योंकि मैंने मॉलिक्यूलर पढ़ाई थी, तो उन्होंने लगा कि मॉलिक्यूलर में इन्होंने आंसर, मैंने आंसर सारे कर दिए, और वोवल हाइपोथेसिस भी मुझसे पूछी थी, सारे मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। ओनली डीएनए रेप्लिकेशन नहीं, मॉलिक्यूलर में वोवल हाइपोथेसिस है वो भी मुझसे पूछ ली उन्होंने, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी थोड़ा बहुत उससे मुझसे, वीएनटीआर का मुझसे पूछ लिया, ऐसा कुछ उन्होंने पूछा। फिर उन्होंने मुझसे इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछा, इन सीटू और एक्सीटू कंजर्वेशन, जो कि मैंने आसानी से बता दिया। फिर वो क्लासिफिकेशन के ऊपर चले गए, उन्होंने क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, मतलब ऐसे नहीं है कि एक ही टॉपिक पे वो डटे रहे, वो मुझसे सारी मतलब अलग अलग जो जूलॉजी बायोलॉजी जूलॉजी बॉटनी की जो अलग अलग फील्ड है वहाँ से वो मुझसे क्वेश्चन पूछने लगे। और लकीली जो जो उन्होंने यूनिट मुझसे पूछी, मेरा लक भी मैं मानती हूँ कि जो जो यूनिट उन्होंने मुझसे पूछी वही यूनिट मैं करेंटली जहाँ टीचिंग करवा रही थी मैं वहाँ पढ़ा रही थी, तो उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे से याद थी, तो मैंने उनके सारे आंसर दे दिए। जब मेरा इंटरव्यू हो गया उसके बाद में, क्योंकि मैंने हिंदी ही ज़्यादा बोली, मैंने इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं बोली, नॉर्मल, तो क्योंकि मेरा बोलने का टोन ऐसा है, तो मुझसे कहा गया, एक सर थे उन्होंने कहा आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, तो मैंने कहा नहीं सर मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो बोला आपकी जो टोन है वो हरियाणा जैसी है, तो मैंने कहा ओके सर। फिर उन्होंने कहा अगर आपको ऐसे रीजन में दे दिया जाए जहाँ इंग्लिश ही बच्चे समझते हिंदी नहीं समझते तो आप कैसे डील करेंगे, क्योंकि आप में थोड़ा हिंदी आपने बोली है, तो मैंने कहा नहीं सर सब कुछ हो जाएगा, थोड़ा सा घबराहट हो जाती है उस वजह से हो जाता है। फिर वो हंसने लगे और उन्होंने कहा आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया, और उसके बाद में मैं बाहर आ गई। तो 10 से 15 मिनट के बीच में ये सारा काम हुआ, उन्होंने क्वेश्चंस वगैरह भी पूछे। लकीली मुझसे सिर्फ सब्जेक्ट पूछा गया, मुझसे केवी, क्योंकि कई जगह कई बच्चों से केवी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था, कुछ से ऐसे एनालिटिक क्वेश्चन भी पूछे गए थे थोड़े से, कि आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में, सिचुएशन देख के भी क्वेश्चन, बाकी मेरे से ऐसा नहीं, क्योंकि 5 बज चुके थे, मैं बहुत लेट तक शाम तक का टाइम हो गया था, तो मुझे काफ़ी वो लोग को भी थोड़ा फ्री होना था, और मेरे बाद में एक कैंडिडेट और भी था, तो उन्होंने मुझसे जो भी पूछे वो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद में सबने कहा कॉम्प्लीमेंट दिया है तो कहीं ना कहीं आपके नंबर, आपका नंबर आ सकता है, ठीक है, मुझे भी एक उम्मीद लगी। मेरी जो रिटर्न में जो नंबर थे वो कट ऑफ के आसपास ही थे, जैसे जैसे कट ऑफ 120 गई है तो मेरे नंबर 121 या 22, ऐसे नहीं कि मेरा नंबर बहुत ज़्यादा थे। और आप ये बात ध्यान रखना, मेरिट आपकी जो रिटर्न में नंबर है वो मैटर नहीं करेंगे, मैटर करेगा आपका इंटरव्यू, क्योंकि आपके जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो आपको आगे ले आएंगे। और मेरे इंटरव्यू के मार्क्स फाइनल कितने आए वो मुझे अभी तक नहीं पता है, शायद अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरव्यू की वजह से मैं वहाँ पर आगे चली गई और मेरा सिलेक्शन वहाँ पर हुआ, और मुझे असम के सिलचर में पोस्टिंग के लिए ज्वाइनिंग लेटर मेरा आ गया था, पर लकीली पहले ही मेरा आरपीएससी में हो गया था, तो मैं वहाँ पर मैंने ज्वाइन कर लिया। तो कुछ ऐसा मेरा केवी का एक्सपीरियंस रहा, और जैसा केवी का इंटरव्यू होता है वैसा ही आपके नवोदय का भी इंटरव्यू होता है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर बायोलॉजी का इंटरव्यू हो रहा है, 11th 12th बायोलॉजी आपको अच्छे से आनी चाहिए, कोई भी टॉपिक वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, वो आपके उस समय डिपेंड करेगा कि वो जो टॉपिक आपसे पूछ रहे हैं उससे आपको आता है या नहीं आता है, तो ये नॉर्मल है। बाकी हिंदी इंग्लिश में आप ज़्यादा दिक्कत मत करना, क्योंकि मैं काफ़ी टेंस थी इस बात को लेकर, क्योंकि जब घबराहट होती है तो एकदम से हम इतना ज़्यादा इंग्लिश में नहीं बात कर पाते, हम भूल भी जाते हैं, हम बोल भी नहीं पाते, थोड़े नर्वस हो जाते हैं, ठीक है। तो इस मामले में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना है, इंटरव्यू कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपके सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होनी चाहिए, इंटरव्यू आसानी से आपका हो जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।